दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले फरीदाबाद के बारे में जिक्र किया था। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं हिसार लोकसभा की, और बात करूंगा आपसे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला की। रंजीत सिंह चौटाला जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही लोकसभा का टिकट पा गए, शामिल होते ही लोकसभा का टिकट मिल गया, और लोकसभा का टिकट मिलते ही लोगों में एक बात चल पड़ी कि रंजीत सिंह चौटाला की बात नहीं बनेगी। उसके बाद में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंतोगत्वा बात बनी नहीं। रंजीत सिंह चौटाला चुनाव हार गए। रंजीत सिंह चौटाला का चुनाव हारने के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद, हिसार से जब वो चुनाव हारे, उनके कई प्रकार के ऑडियो वायरल होते रहे। एक ऐसा ऑडियो था जिसके अंदर रंजीत सिंह चौटाला अपने समर्थक से कह रहे थे कि इन जयचंदों का इलाज करूंगा। जयचंद कौन कौन बता रहे थे? वो जयचंद बता रहे थे कुलदीप बिश्नोई को, जयचंद बता रहे थे कैप्टन अभिमन्यु को, जयचंद बता रहे थे सुभाष बराला, लोकसभा चुनाव के हरियाणा के संयोजक, 10 की 10 सीटें जिताने की जिन पे जिम्मेदारी थी उन पे ही जयचंद होने का आरोप लगा रहे थे। आरोप लगा रहे थे रणधीर पनिहार पर, मतलब तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। एक ऑडियो आया, दूसरा ऑडियो आया, तीसरा ऑडियो आया। पहला ऑडियो आया तो उसकी उन्होंने कह दिया कि भाई छोड़ो, मैंने नहीं कहा होगा। दूसरा आया तो कह दिया छोड़ो, नहीं कहा होगा। दूसरे ऑडियो पर तो जो कैप्टन अभिमन्यु हो, उन्होंने खूब खिल्ली भी उड़ाई थी। उन्होंने कहा था जब वो खुद ही मना कर रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। अब तीसरा वीडियो फिर चल रहा था, तीसरा ऑडियो उनका, और उस ऑडियो के अंदर भी था कि जयचंदों को टिकट नहीं लेने दूंगा अब, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ गया। भाई रंजीत सिंह चौटाला जी को टिकट लोकसभा का क्या मिला कि वो तो टिकट के बटैया हो गए, टिकट बांटने वाले बन गए, टिकटें ही बांटनी शुरू कर दी और कह दिया कि जयचंदों का इलाज करूंगा। और जयचंद कौन आप देखिए तो जयचंद किनको बता रहे हैं? सुभाष बराला को जयचंद बताया। सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी के सखा, सेंट्रल हाईकमान के अंदर उसकी पकड़ सुभाष बराला की, और इन 10 लोकसभा चुनाव के संयोजक थे वो। आप मानिए देखिए उस बात को। दूसरा किसको जयचंद बता रहे थे? कैप्टन अभिमन्यु को। असम के प्रभारी थे वो लोकसभा चुनाव के लिए, असम के प्रभारी पूरे राज्य के। टिकट मांगते थे ये नेता, टिकट की चाहत थी नेताओं की, सुभाष बराला की तो नहीं थी। सुभाष बराला तो राज्यसभा में जा लिए, वो तो चुनाव वुनाव जो हार जीत हो ली वो तो जा लिए राज्यसभा में। बात करूंगा इसी वीडियो में आपसे सुभाष बराला के बारे में भी। कैप्टन अभिमन्यु के लिए बात करते थे, नारनौंद के विधायक रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनोहर पार्ट 1 की सरकार में। मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनते हुए वो चुनाव हार गए, दादा राम कुमार गौतम जीत गए थे। बिल्कुल ठीक बात है कि कैप्टन अभिमन्यु का इस चुनाव में विशेष फोकस नहीं था हिसार में, क्योंकि वो लगे रहे असम में। उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी तो असम में ड्यूटी है। और इधर रंजीत सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि भाई जयचंद है सभी ये। अब बड़ी बात ये कि आखिर रंजीत सिंह चौटाला कौन से हक से कह रहे हैं कि वो जयचंद है, कौन से हक से? सुभाष बराला का जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है सिरसा लोकसभा के अंदर। हालांकि क्योंकि अब सुभाष बराला 2014 में विधायक बन गए थे, और 2019 में सुभाष बराला को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे खुद, जो खुद भैया चुनाव हार गए थे 50,000 से ज़्यादा वोट से, उनसे आप क्या उम्मीद रखी जाए अब भाई, वो कैसे जिता दें आपको? खैर, सुभाष बराला का जो टोहाना विधानसभा है वहाँ से देवेंद्र बबली हैं आजकल विधायक। देवेंद्र बबली लग गए थे कुमारी सैलजा के साथ, JJP के विधायक हैं वैसे वो, और कुमारी सैलजा वहाँ से टोहाना से चुनाव जीती। उन्होंने सिरसा की जो 9 की 9 विधानसभा सीटें थी कुमारी सैलजा ने वो जीत ली। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ है कि रंजीत सिंह चौटाला तो सुभाष बराला को भी कह रहे थे जयचंद। वैसे दोस्तों आपसे एक बात कर लूँ बीच में, अगर इस वीडियो में आगे फिर बढ़ूंगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, उस लोकसभा चुनाव के लिए जो पार्टी के धुरंधर नेता हैं, धुरंधर नेता जिनको कहा जाता है, सुभाष बराला राज्यसभा के ताज़ा मेंबर बने थे अभी पिछले दिनों ही। सुभाष बराला को हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की जिम्मेदारी दी गई, वो संयोजक बने। लेकिन एक बात जरूर देखी जाएगी दोस्तों कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2019 का विधानसभा, हालांकि वो बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन जब तबसरा आपसे होगा तो बताया तो आपको जाएगा
सुभाष बराला के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई, बहुमत से दूर रही, बहुमत से दूर ही नहीं रही, उसके बाद में सुभाष बराला खुद हार गए 50,000 से ज़्यादा वोट से, रिकॉर्ड अंतर है विधानसभा के अंदर हारने का ये। उसके बावजूद सुभाष बराला खूब पावरफुल रहे सरकार के अंदर, उनके पास कई कई निगमों की विभागों की चेयरमैनी रही कैबिनेट रैंक के बराबर। उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनवाया मनोहर लाल जी ने, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के बने, वो तोहफा मिला उनको बहुमत ना दिलवाने का, और उसके बाद में उनको हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जिताने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। जो व्यक्ति संगठन के रूप में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जब जनता के पैमाने पर बात आती है, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पार्टी को एक ठीक मुकाम नहीं दिला पाया, जो व्यक्ति खुद, जो नेता खुद बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार जाता है, तो फिर पब्लिक प्रोफाइल उनका, जो पब्लिक डोमेन डाउन होता है, और ऐसे नेता से उम्मीद कम की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिसी होगी, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। दूसरे नेता दोस्तों एक और है, मनीष ग्रोवर। रोहतक जैसी सीट शहरी सीट है, रोहतक की शहरी सीट है, रोहतक से वो 2014 में विधायक बने थे। 2019 का जो चुनाव आया वहाँ लोकसभा का, जिसमें अरविंद शर्मा जीत गए चुनाव, और उस चुनाव के अंदर रोहतक से अरविंद शर्मा जीते थे 2019 में, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया तो मनीष ग्रोवर साहब वहाँ से चुनाव हार गए। मनीष ग्रोवर साहब चुनाव हारे ही नहीं, बढ़िया तरह से हार गए। उनको भी लोकसभा चुनाव की बड़ी भारी उन पर जिम्मेदारी थी, उन पर बड़ा भारी बोझ था पार्टी का कि भाई पार्टी को उन्होंने जिता के लाना है, लेकिन अपनी रोहतक विधानसभा के अंदर भी जो शहरी सीट है, सब उम्मीद करते थे कि दीपेंद्र हुड्डा सांसद तो भले बन जाएंगे, लेकिन रोहतक शहर और कोसली नहीं जीत पाएंगे। रोहतक शहर भी जीत गए, बड़े अंतर से जीत गए रोहतक शहर भी, 5-6 हज़ार वोट का अंतर ठीक अंतर होता है दोस्तों। और उसके बाद में डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने मनीष ग्रोवर के बारे में सब कुछ बता ही दिया, उन पर भी जिम्मेदारी थी। और भी कई सारे नाम हैं लोकसभाओं के जो संयोजक थे, किस किस का नाम लें आपके सामने, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों का पब्लिक डोमेन क्या था, ये पार्टी को देखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि 2024 का विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए तो होगी, बीजेपी को किसी भी कीमत पर हरियाणा का राज बचाना होगा ताकि दिल्ली ठीक चलती रहे। दोस्तों किसी वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे इसकी भी कि हरियाणा क्यों जरूरी है। खैर, बात चल रही थी रंजीत सिंह चौटाला की, और रंजीत सिंह चौटाला ने सुभाष बराला के बारे में कहा था, मैंने आपसे उनकी बात की, कैप्टन अभिमन्यु की बात की, कुलदीप बिश्नोई की बात हुई, रणधीर पनिहार की बात हुई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, रंजीत सिंह चौटाला 1987 में विधायक बने थे चौधरी देवीलाल की लहर में, उसके बाद में वो धीरे धीरे परिवार से अलग होते गए। ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला की आपस में बनती नहीं थी तो अलग हो गए। चौधरी देवीलाल के रहते हुए ही रंजीत सिंह चौटाला ने उनको छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, जैसे अजय सिंह चौटाला छोड़ के आ गए ओम प्रकाश चौटाला को, और उस समय छोड़ा जब देवीलाल को जरूरत थी, चौधरी देवीलाल को जरूरत हुआ करती थी कि परिवार साथ रहे, लेकिन रंजीत सिंह चौटाला साथ नहीं रहे उनके, छोड़ दिया उनको, कांग्रेस में चले गए। कई चुनाव लड़े, कहाँ कहाँ चुनाव नहीं लड़े, आदमपुर से भी लड़े, सिरसा की सीट से भी लड़े, रानिया से भी लड़े, खूब चुनाव लड़े, एक भी चुनाव में उनको जीत का मौका नहीं मिला। 2019 का दौर उसके बाद आया, 1987 के बाद 2019, यानी कि आप मान ले तो लगभग 32 साल बाद वो फिर विधायक बने, 32 साल बाद वो विधायक चुने गए फिर रानिया से, निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव जीत गए। राजनीतिक लोग कहते हैं, सियासी लोग कहते हैं कि पूरे देवीलाल परिवार ने उनका साथ दिया, रंजीत चौटाला का, अभय सिंह चौटाला के परिवार ने भी, अजय चौटाला परिवार ने भी। चचा को उम्र का अंतिम आखिरी दौर सा है उनका, 75-76 साल की उम्र लगभग हो चुकी है, इस दौर में रिटायरमेंट का टाइम माना जाता है राजनीति का, खासकर रंजीत सिंह चौटाला जी विधायक बन गए रानिया से। और एक पुरानी कहावत है कि छीका फूटा, बिल्ली के भागो छीका फूटा, यानी कि नसीब बड़े अच्छे थे रंजीत सिंह चौटाला जी के कि मनोहर लाल जी को बहुमत मिला नहीं, रंजीत सिंह चौटाला ने समर्थन दे दिया, चौधरी देवीलाल के नाम था जुड़ा हुआ पीछे, रंजीत सिंह चौटाला बन गए बिजली मंत्री, लगातार हिसार में दरबार भी लगाते थे आजकल, और मनोहर कृपा ऐसी बरसी उन पर, मनोहर कृपा ऐसी बरसी उन पर कि वो भाजपा आलाकमान के भी नज़दीक पहुँच गए धीरे धीरे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं के नज़दीक हो गए।
और पार्टी के नेताओं ने यानी कि अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगा कि अगर चौधरी देवीलाल की विचारधारा को साथ जोड़ लिया, रंजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दिया, तो चौधरी देवीलाल के नाम पर सीट निकल जाएगी हिसार की भी और सिरसा की भी। लेकिन दोनों जगह बंटाधार हो गया, दोनों जगह चुनाव हार गए। अब उसके बाद चुनाव हारने के बाद में रंजीत सिंह चौटाला लगातार जयचंद बताकर टिकट कटवा रहे हैं और तमाम नेताओं की। दोस्तों बड़ी बात यह है कि चुनाव के अंदर हार और जीत होना अलग मायने रखता, अलग बात होती है। चुनाव के अंदर लोग भीतरघात भी करते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो बयान दिए जाना उसके बाद में कहना कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये परिपक्व राजनीति की पराकाष्ठा नहीं है। परिपक्व राजनीति इसको नहीं कहा जा सकता। और उस हालात में जिसमें कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जैसी शख्सियत जो बिना विधायक होते हुए भी आज बिजली मंत्री के तौर पर हरियाणा में काम कर रहे हैं, ठीक है कि उनको विधानसभा का टिकट भी मिलेगा, सिरसा से ही मिलेगा या जहाँ से वो मांग लेंगे शायद वहीं पार्टी उनको दे देगी, उनका औरा बड़ा है पार्टी के अंदर। लेकिन ये जरूर है कि कितने जयचंद ये बता करके और फिर उनकी तमाम लोगों की राजनीतिक प्रोफाइल पर, उनके राजनीतिक करियर पर जयचंद कह के क्वेश्चन मार्क लगा देना कहाँ तक ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रंजीत सिंह चौटाला जो नेताओं को जयचंद बता रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि वो ऑडियो मेरी नहीं थी, आजकल AI चल जाता है, लेकिन उस पर नेताओं के बयान जरूर आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के बयान उचित हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या रंजीत सिंह चौटाला वाकई बीजेपी में इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो और लोगों की टिकटें कटवा देंगे, और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में रंजीत सिंह चौटाला को अगला कौन सा मुकाम मिल सकता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।